द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी सबसर्वियंस। तो मूवी की शुरुआत होती है, निक जो कि एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट रहता है, उसकी बीवी मैगी को दिल की बीमारी हो जाती है। पर दिक्कत की बात नहीं रहती, क्योंकि जमाना काफी मॉडर्न हो चुका था। दुनिया ने टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत तरक्की कर ली थी। हार्ट ट्रांसप्लांट अब ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी, पर क्योंकि बीमारी फिर भी थोड़ी बड़ी थी तो मैगी को इसे कुछ वक्त के लिए हॉस्पिटल में ही छोड़ना पड़ता है। पर जैसा कि मैंने बताया, टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली थी, तो किसी भी काम के लिए इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट आसानी से मिल जाते थे। और ये रोबोट्स कोई मामूली टीन के डब्बे नहीं थे, चाहे कोई भी काम रहे, हर काम के लिए रोबोट्स अवेलेबल थे। यहाँ तक कि मैगी का जो हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला था वो भी रोबोट्स ही करने वाले थे। तो यहाँ होता यह है कि क्योंकि मैगी के बीमार होने की वजह से निक अकेला पड़ चुका था। एक तो नई बिल्डिंग बन रही थी तो उसका काम का प्रेशर अलग था, ऊपर से इसके दो बच्चे भी थे। बेटी थोड़ी बड़ी थी पर बेटा अभी बहुत छोटा था, तो काम के साथ साथ बच्चों को संभालने में इसे जब दिक्कत होने लगती है तो एक दिन ये भी घर के लिए एक रोबोट खरीदने जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर काम के लिए एक रोबोट था, तो वहां जाकर ये कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा खरीदे। पर इसी बीच रोबोट देखने के चक्कर में ये जब बिजी हो जाता है तो इधर इसकी बेटी मॉल में खो जाती है, और यहां इसकी मुलाकात होती है एलिस से। यहां एलिस जब इसकी बेटी को ढूंढकर इसके पास ले आती है तो इसके बच्चों को हैंडल करने वाली प्रोग्राम को देखकर ये इंप्रेस हो जाता है और फाइनली इसे ही खरीदने का डिसाइड करता है। और ये इसके एक्सपेक्टेशन को पूरा भी करती है। आते के साथ ये पूरा घर अकेले संभाल लेती है, पर क्योंकि थी तो ये एक रोबोट ही, तो निक इससे कनेक्टेड फील नहीं कर पाता। लेकिन ये सिचुएशन भी एक दिन चेंज हो जाती है जब एक दिन निक मूवी देख रहा होता है। दरअसल यहाँ होता यह है कि ये अपना फेवरेट मूवी देख रहा था, तो एलिस पीछे से आकर जो उसके डेटाबेस में है उस नॉलेज के बेसिस पर इस मूवी पर कमेंट करती है, जो कि पूरी दुनिया के नजरिए के मुताबिक था, यानी पूरी दुनिया इस मूवी को कैसे देखती है, जो कि निक को पसंद नहीं आती। तो ये इसे बुलाकर कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके नजरिए से ये मूवी देखे। तो यहाँ ये कहती है कि सेफ्टी की वजह से ये ऐसा कर नहीं सकती, पर हाँ अगर वो उसके सेफ्टी को ऑफ कर देगा तो वो खुद से सोचने के लिए आजाद हो जाएगी और सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले पाएगी। तो बस फिर क्या, निक को ये बात कूल लगती है और ये इसकी सेफ्टी ऑफ कर देता है। हालांकि इससे इसमें एकदम से चेंज नहीं आता, पर क्योंकि ये AI रोबोट थी तो यहाँ से जैसे जैसे इसकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी वैसे वैसे ये खुद से डिसीजन लेने लगेगी। तो अब यहाँ होता यह है कि एक दिन निक इसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है मैगी से मिलवाने। अब मैगी को पता नहीं था कि निक ने इसका सेफ्टी ऑफ कर दिया है, तो क्योंकि इसे लगता है कि ये कमांड से चलती है, तो वापस जाने से पहले ये इसे कहती है कि वो निक का ध्यान रखे, उसकी जरूरतों को पूरा करे, उस पर बोझ ना आने दे और उसे डिप्रेशन में ज्यादा दारू ना पीने दे। जिसके बाद बस फिर क्या, यहां से एलिस का एक रोबोट से निक की वाइफ बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक तो मैगी के हार्ट ट्रांसप्लांट होने में देर हो रही थी तो इससे ये फ्रस्ट्रेशन में था ही, ऊपर से ये क्योंकि सीनियर पोस्ट में था तो ऑफिस में इसे छोड़कर इसके बाकी सभी दोस्तों को निकाल दिया जाता है उनकी जगह पर रोबोट को रखने के लिए, जिस वजह से ये और दारू पीने लगता है। पर जैसा कि मैगी ने इससे कहा था कि दारू मत पीने देना, ये इसे और दारू पीने से रोक देती है और ये खुद को इससे छुड़ा भी नहीं पाता। और क्योंकि मैगी ने इससे ये भी कहा था कि वो इसका ख्याल रखे, तो इसके एनालिटिक्स के मुताबिक इसकी शारीरिक जरूरतें बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई थी, तो ये इसे उसके साथ करने की एडवाइस देती है। पर क्योंकि फिलहाल निक मैगी के लिए वफादार था तो वो दारू पीने से तो रुक जाता है, पर सेकंड ऑप्शन के लिए नहीं मानता। पर ये कंट्रोल इसका ज्यादा टाइम तक नहीं चलता। दरअसल इसके जो दोस्त रोबोट्स की वजह से रिप्लेस किए गए थे, ये उनसे मिलकर उन्हें दिलासा देने जाता है। ये नहीं जानता था कि वो अब उसके दोस्त नहीं रहे, क्योंकि उन्हें इससे अब जलन हो रही थी कि इसका जॉब तो ठीक ही बच गया, इसकी लाइफ तो सेट ही है, चुप तो हम गए। तो दारू पीने के बाद ये इसे अपने साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर ये बोलकर ले जाते हैं कि उनका सामान वहां छूट गया है, और वहां पहुंचने पर इनमें से एक जो रहता है वो काम के लिए लाए गए एक रोबोट को तोड़ देता है। इसका नाम मोंटी था। हालांकि रोबोट्स जिस कंटेनर में रखे हुए थे उनमें पासवर्ड लगे थे, पर मोंटी इसका बेस्ट फ्रेंड था तो इससे अंदाजा था कि पासवर्ड जरूर इसकी बेटी का बर्थडे होगा। हालांकि ये इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है कि वो फंस जाएंगे, क्योंकि सारे सुपीरियर्स को अलग अलग पासवर्ड दिए गए हैं तो कंपनी को पता लग जाएगा कि किस पासवर्ड से कंटेनर खोले गए हैं और वो किन का है। पर ये गुस्से और नशे में इसकी बात नहीं सुनता, जिस वजह से यहाँ होता यह है कि फंसने का डर तो इसे था ही, ऊपर से इसके दोस्त भी इसके साथ नहीं थे, तो ये यहाँ टूट जाता है। और इस बात का फायदा एलिस उठा लेती है। ऊपर से ये बच्चों को अपनी तरफ करने के लिए ये मैगी की आवाज में उनसे बात करने लगती है। एक तरह से ये 50% इसकी बीवी बन ही चुकी थी। हालांकि निक को खुद की हरकतों पर पछतावा होता है और ये इसे दोबारा उसके करीब आने से मना कर देता है, पर क्योंकि इसने अब तक इसका सेफ्टी ऑन नहीं किया था तो ये खुद से सोचने और डिसीजन लेने के लिए आजाद थी। वैसे फाइनली इधर मैगी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो वापस घर आ जाती है, पर इससे बच्चों और निक को तो खुशी मिलती है पर एलिस जलस फील करने लगती है। ऊपर से जब बच्चे और निक इसके सामने मैगी के खाने की तारीफ करते हैं और इसके खाने को बोरिंग कहते हैं, तब तो पूछो मत, जलन के मारे इसका सर्किट जलकर राख हो गया होगा पक्का। खैर ये भी अब कहाँ रुकने वाली थी, मैगी की वजह से उसकी बेइज्जती हुई थी
तो मैगी से बदला लेने के लिए जब निक ऑफिस जाता है तो ये सीढ़ियों के सपोर्ट को लूज करके इसे गिरा देती है। हालांकि फिर खुद इसे उठाकर वापस कमरे में भी पहुंचा देती है। मारेंगे भी हम ही, बचाएंगे भी हम ही वाला हाल था। पर ये अभी शुरुआत था। मैगी ने इससे हॉस्पिटल में ये भी कहा था ना कि निक की हिफाजत करना, तो वो इमोशन भी इसके अंदर बिल्ड हो चुका था। तो यहाँ होता यह है कि एक दिन मोंटी इसके घर आता है इसे धमकाने, क्योंकि कंटेनर इसके कोट से खुला था तो कंपनी ने इससे पूछताछ किया। हालांकि इसने मोंटी का नाम नहीं लिया था, पर इसके बयान के मुताबिक कि पासवर्ड उसकी बेटी का बर्थडे था, इसी वजह से कल्प्रिट ने आसानी से गैस कर लिया होगा। तो क्योंकि सभी जानते थे कि मोंटी इसका बेस्ट फ्रेंड था, तो उससे अच्छा गैस कौन ही कर पाया होगा, तो ऑटोमेटिकली सबका शक सीधे मोंटी पर ही जाता है। तो यहाँ ये इसे इसी बात के लिए धमकाने आया था कि वो कुछ भी करे पर उसका नाम हटवाए, वरना वो डूबा तो साथ में उसे भी ले डूबेगा। तो यहाँ ये सुनकर एलिस इसे यहाँ तो पीटती ही है, ये जानने पर कि मोंटी निक के लिए खतरा है, ये अकेले उसके घर जाती है और उसे जान से मार देती है। और इसे मारने के बाद ये पूरा खुल जाती है। अब ऐसा कोई काम नहीं था जो ये नहीं कर सकती थी। तो अब यहाँ होता यह है कि ये निक की लाइफ से सारा बोझ कम करने के मोड में चली जाती है। और क्योंकि इसके एनालिटिक्स के मुताबिक निक टेंशन में अपनी फैमिली की वजह से था, तो ये यहाँ समझ लेती है कि वही इस पर बोझ है, तो ये उन्हें ही रास्ते से हटाने का डिसाइड कर लेती है। पर ये इनकी मजे भी लेती है। मैगी ने इसे आते के साथ जलस फील करवाया था ना, तो ये इसे जलाने के लिए बता देती है कि वो नहीं थी, तब उसने उसके साथ किया था। और बीमारी की वजह से क्योंकि अब वो उसे संतुष्ट नहीं कर पा रही, तो वो आगे भी उसके साथ करेगी। अब निक को उसकी जरूरत नहीं है। और ये सुनकर जब ये निक से लड़ रही होती है, तो ये इनके बेटे को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। हालांकि इनकी बेटी इसे ऐसा करते देख लेती है और सभी को बता देती है, जिसके बाद निक और मैगी किसी तरह इसे ऑफ करते हैं और इसे वापस रिपेयर के लिए भेज देते हैं। पर क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब किसी रोबोट ने ऐसा बिहेव किया था, तो इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था कि इसे कैसे हैंडल करना है। तो जब ये इसके चेकअप के लिए इसे मेन कंप्यूटर से जोड़ते हैं, ये खुद को सिस्टम में अपलोड कर देती है और इन्हें मारकर वापस निक के पास चली जाती है। हालांकि इनका बेटा बच गया था, पर क्योंकि एलिस ने उसे पानी में रख दिया था, तो सेफ साइड के लिए मैगी उसे हॉस्पिटल लेकर चली गई थी, जिससे निक यहां अकेला था। एलिस को वापस देखकर निक शॉक हो जाता है और काफी गुस्से में आ जाता है, पर ये इसकी पावर देख चुका था तो ये कुछ नहीं करता, शांति से बैठा रहता है। पर जैसे ही एलिस इसे ये बताती है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में भी है और कुछ देर में सभी को मारने वाली है ताकि वो उनके बोझ से आजाद हो जाए, ये किसी तरह इसे अपनी बातों में फंसाकर इसका पावर सोर्स निकाल लेता है, क्योंकि उसके लिए इसे उससे लड़ना नहीं पड़ता। दरअसल चेकअप के दौरान सिस्टम में अपलोड होने की वजह से ये अब हर रोबोट को कंट्रोल कर सकती थी। हालांकि ये हॉस्पिटल पहुंचकर मैगी पर अटैक कर देती है और उसे मारने वाली होती है, पर तब तक इसे ढूंढने में इसका टाइम जितना वेस्ट हुआ था, उतने देर में निक यहां पहुंच जाता है और इसे मार देता है। पर यहाँ तो ये लोग बच जाते हैं, लेकिन ये बस शुरुआत थी। वो पूरे सिस्टम में घुस चुकी थी और उसका मकसद एक ही था कि उसे निक को उसके सारे बोझ, सारे प्रॉब्लम से आजाद करवाना है, और इसके लिए वो वापस आएगी। हालांकि फिलहाल यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।